ट्रेड टू का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, वन का नहीं है। ठीक है सर, अभी ट्रेड टू का तो आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बीपीएससी ट्रेड वन के सताए हुए सारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं। सताए हुए नहीं, तड़पाए हुए। ये शब्द जो भी शब्द हम यूज करें वो कम ही कम है। जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अगर हमारे जगह पे अगर किसी लीडर का बेटा होता तो आज खून के आंसू होता है यहाँ पे बैठ के। आज 10 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में सर, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज को बताएंगे। आज 10 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में सर, हम कभी जाके डीएम कंट्रोलर के यहाँ से वहाँ से परमिशन अलॉट करा के आते हैं कि हमें अप्रूवल दीजिए कि हम गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठे हैं। और क्यों बैठे हुए हैं सर, हम अब ये बताने जा रहे हैं सर। बीपीएससी स्टेट 19 का जो एग्जाम बीपीएससी ने करवाया फिर से, एक बार हम लोग मेरिट में आ गए थे और फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम कराया गया है, जिसको बीपीएससी ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया एग्जाम को कराने के लिए। और बीपीएससी ने वो काम किया जो भारत के इतिहास में किसी आयोग ने नहीं किया होगा सर। क्या काम कर, इतिहास के पन्नों में इसको नोट कर लिया जाए कि क्या काम। वही सर अब तो बताने जा रहे हैं ना, बीपीएससी ने एग्जाम ले लिया ठीक, और उसके बाद रिजल्ट के नाम पे क्या किया कि उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं किया सर। अब बताइए कहीं देख, जी सर बिना विवाह के सुहागरात मनता है क्या? बिना विवाह के सुहागरात मनता है क्या? बड़ा बड़ा बात नहीं सर, ये नींद में सोई हुई सरकार, नींद में सोए हुए डिप्टी सीएम और ऑटोक्रेटिक पावर जो आयोग के आज के डेट में बहुत बड़े तानाशाह मिस्टर अतुल प्रसाद जी और के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के सचिव हैं, तो शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। ये शिक्षा में सुधार तो कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह हो गए हैं दोनों। ये लोग चाह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही हो गया। तो क्या आप चाहते हैं कि गलत सही मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर रहे और जो योग्य नहीं वो अंदर घुस जाए, यही आपकी चाहत है? आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, अयोग्य कैंडिडेट का बाहर। सरकार पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सरकार के कारनामों को उजागर कर रहे हैं। सरकार ने जो काम किया है इन मेरिटोरियस बीपीएससी ट्रेवन के स्टूडेंट को बाहर कर दिया है रोड पे, उसी का साक्ष्य हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और साक्ष्य हम देते देते कर हजारों मीडिया वालों के सामने हम लोगों ने साक्ष्य को प्रकट किया। क्या साक्ष्य है आपके पास? हमारे पास साक्षी साक्ष्य है संजय जी। देखिए बीपीएससी ने एग्जाम तो बहुत बढ़िया से लिया, लेकिन उनकी गलती क्या हुई ये देखिए, भर भर कर पेपर है हर एक जिला से, दरभंगा से बाहर। सुनिए ये देखिए दरभंगा का है, कंप्यूटर से निकला गया, बता रहे हैं आपको सारा चिट्ठा खोल रहे हैं आज विभाग का, इसको कौन नियुक्त किया। ये देखिए चंपारण से, ये देखिए एसटीटी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, बीटेक का अंक पत्र नहीं है, यानी कि बीटेक के पास नहीं था उसको नियुक्ति पत्र दे दिया कंप्यूटर में। ये देखिए बीटेक का अंक पत्र नहीं है, ये कौन ऐसे 7,000 जो कम 7,474 जो कंप्यूटर में रिजल्ट हुआ था, ऐसे 2,500 से 3,000 है जो फर्जी बहाल है, 2,500 से 3,000। और ये जानबूझ करके किया गया है ये साजिश के तहत कि जितना भी सीट है ना फर्जी को भर दो, बाद में उसको हटा करके और इसी सीट को अगला बहाली में भेजना है, यानी कि टीआर 3 में जो 25 में चुनाव होना है, 30 में का वैकेंसी उसमें क्रेडिट लेना है। ये हम लोग 2025 से क्या लेना देना है, चुनाव सरकारी सरकार को दिखाना है ना कि हम कितना वैकेंसी दे रहे हैं, हमारा हक मार करके फिर अगले में उसको जोड़ करके सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हम कितना वैकेंसी दे रहे हैं। ये देखिए आपको और बता रहे हैं 3,00,000 वैकेंसी दे दी। और देखिए ये एसटीटी 2019 के बाद में जिन लोगों का डिग्री कंप्लीट हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं है, और अतुल प्रसाद ने बोला था कि बिफोर एसटीटी और आफ्टर एसटीटी हम आसानी से पता लगा लेंगे उसका डिग्री और सबको बाहर करेंगे। ठीक है ये देखिए क्या कहा जा रहा है, जितना भी मल्टी लेयर फिल्टरिंग होगा और एक से ज्यादा जो है कि रिजल्ट निकाला जाएगा, लेकिन अब जो है कह रहा है कि TRE1 का चैप्टर खत्म। ये देखिए ये फर्जी है, ये फर्जी जो है 2019 के बाद में ये इसका डिग्री कंप्लीट हुआ है MCA का, ठीक है ना, और ये टोटल फर्जी है। यहाँ फर्जियों का सारा लिस्ट हम बता रहे हैं, ये तो फर्जी का लिस्ट लेकर के आप पहुंच गए गर्दनी बाग में। यस पूरा फर्जी का लिस्ट है हमारे पास। अच्छा। और ये विभाग और आयोग ने जो धोखाधड़ी किया है हम युवाओं के साथ वो हम भूलेंगे नहीं, हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इन लोगों को सौंपा था नियुक्ति देने के लिए, न कि फर्जीवाड़ा करने के लिए, और ये आयोग और विभाग की आपसी सहमति से ये फर्जीवाड़ा हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा हुआ था। आयोग तो के पाठक तो इस वक्त छवि के हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे दिखाने के लिए स्वच्छ छवि क्या जो है, लेकिन अब फर्जीवाड़ा क्यों किया? फर्जीवाड़ा जब बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहा था, आपने आप बोला कि वो अपने स्तर से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का माना ही नहीं, आपको पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना था उसके बाद में नियुक्ति पत्र देना था, ना कि फर्जी को नियुक्ति पत्र देना था ना।
फर्जी को नियुक्ति पत्र कौन दिलवाया? अतुल प्रसाद और केके पाठक सर ने, यही दोनों लोग ना फर्जी को सर्टिफिकेट दिया। अतुल प्रसाद ने तो अच्छे से एग्जाम लिया ना, अच्छे से एग्जाम लिया, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अच्छा से एग्जाम ले लिए, लेकिन जो फर्जी एग्जाम में शामिल हुए थे, क्योंकि बिहार का जो इतिहास है वह बहुत ही खराब रहा है बहाली को लेकर के, तो उन्होंने फर्जियों को छांटे बिना घुसाया गया, तो किस मंशा से घुसाया गया, ये जानबूझ करके कि इसके पीछे कुछ बड़ा खेल हुआ है, क्या मामला है? खेल हुआ है क्या कहेंगे? बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। हम लोग कंप्यूटर साइंस के ही सब्जेक्ट के हैं और हम लोग के साथ ही खेला हुआ है, और बोला जाता है कि आप लोग अयोग्य है इसलिए मेरिट लिस्ट में नहीं आए। लेकिन हम लोग अयोग्य कैसे हो सकते हैं? हम लोग तो सेम नंबर ला के भी पीछे है, क्यों? डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि हम लोग का डेट ऑफ बर्थ पुराना है। अगर पीछे नया रहता तो हम लोग का भी हो जाता, डेट ऑफ बर्थ से पीछे। हाँ, क्योंकि हम लोग 95 के डेट ऑफ बर्थ है, जिनका 89 है, 88 होता तो वो नंबर बर्थ के अनुसार बहाली हो रही है या मेरिट के अनुसार? जैसे देखिए, अगर सेम नंबर रहने पे, जैसे कट ऑफ गया बीसी का 57 नंबर, अगर सेम नंबर बहुत सारे लड़कों का आ गया, 100-200 नंबर लोगों का आ गया, तो उसमें क्या होता है कि एज देखा जाता है, जिसका प्रायोरिटी बनता है, जिसका एज ज़्यादा है, क्योंकि उन लोग को मौका नहीं मिलेगा अब एग्जाम भरने का, तो उन लोग को प्रायोरिटी दिया जाता है, तो उन लोग का तो हो गया। लेकिन जो 94 बर्थ वाले थे, 95 बर्थ वाले थे, 96 बर्थ वाले थे, उन लोग का नंबर लाते भी नहीं हुआ, क्योंकि इतने अयोग्य टीचर को भर्ती मिल गया है, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, जिनके कारण से हम लोग का नहीं हुआ है। अगर छटनी होता, फिल्ट्रेशन होता अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट, तो हम लोग सारे बच्चे जनरल से सेलेक्ट होके जाते। चलिए, अगर एडवर्टीजमेंट के अनुसार सिलेक्शन होता तो जनरल और एडवर्टीजमेंट का कोई फॉलो नहीं किया गया। आप लोग आए हुए हैं क्या, या प्रूफ लेकर के अतुल प्रसाद के पास गए हैं, के पाठक के पास गए, शिक्षा विभाग गए कभी? सर आज के सिचुएशंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि आपको पता है कि बीपीएससी आयोग के पास जो है 144 धारा लगा हुआ है, तो हम लोगों को जाने का, अभी बताइए, हमारा आज तीसरा दिन है, कोई ना शिक्षा विभाग का कोई भी ऐसा स्टाफ आया हो, ऐसा कोई प्रशासन का लोग आए हों कि हम लोगों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को जानने के लिए कोई यहाँ पे आया भी नहीं है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक मंत्री का कोई बात होता है या कोई विधायक का बात होता है तो जो है कि तुरंत जो है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी अफसर लोग हैं, तुरंत मीडिया में छा करके और एक दूसरे का कटाई, एक दूसरे का बच बचाओ या एक दूसरे का अपमान करने में लग जाते हैं। लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थियों का कोई सुनने वाला नहीं है, बिहार हो या पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं। आज से नहीं, हम लोगों को तो अब लगता है ऐसा कि बहुत बड़ी गलती हमसे तब हो गई जब हम 2019 में फॉर्म भर करके एसटी क्वालिफाइड कर लिए। सबसे बड़ी गलती हमारी उस टाइम हो गई। आज जीवन हमारा रोड पे है और ऐसा पहला सिचुएशन कौन क्रिएट कर रहा है? आप ही के सरकार में, आप ही के जो है कि आप कॉन्फ्रेंस के सामने आप बोल देते हैं हमने ये नहीं किया, हमने ये कर दिया है, हमने बहुत अच्छा किया। अच्छा आपने किया है, लेकिन आप उस चीज़ पे अच्छे तरीका से अमल नहीं किया है। रिजल्ट आपके सिस्टम अपने आप नहीं चलता है, सिस्टम को चलाया जाता है, कंप्यूटर को चलाया जाता है, डेटा को बनाया जाता है, डेटा को अपलोड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत कुछ करेंगे, अभी तो जो है कि शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग को देखिए सर, हम लोग करके भी अब क्या करेंगे? उम्र वैसे भी ख़त्म हो रही है और जो है कि ये हमारी हकमारी भी हो रही है, ना कोई रिवर्स। हम लोग का मेन मांग है यकी है कि सर जो फर्जी निकले हुए हैं उनको छांट, उनके जगह पर रिवाइज रिजल्ट दे दो। जितने भी नीचे से लड़के हैं हम लोग चले जाएंगे सर, आ जाएंगे आराम से, हम लोगों की भी नौकरी हो जाएगी। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। क्यों आए हुए हैं, क्या लग रहा है, जिन मांगों को लेकर के आए, आपकी बात सरकार सुनेगी? सच में फर्जीवाड़ा हुआ है या आप लोग आरोप लगा रहे हैं? नहीं, फर्जीवाड़ा हुआ है। योग्यताधारी जो विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, उनको नहीं लेकर, जो योग्यताधारी नहीं रखते थे, वैसे करीब करीब 2000 से 2500 अभ्यर्थी को अंदर डाल दिया। अच्छा। वे पोस्ट पा लिए और जो योग्यता रखते थे वे तो रोज पा गए। तो हम लोग से डिमांड है सरकार से, और ऐसा बात नहीं कि हम लोग डिमांड नहीं रखे हैं, कितने बार जाते जाते मुख्यमंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री के से मिले, सभी लोगों के पास गए हैं, कोई नहीं सुना। बीपीएससी, शिक्षा विभाग, सारे जगह जाते जाते चप्पल खिया गया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और अब यहाँ तक कि अब अगर बातचीत भी होती है अगर, तो उन्होंने सीधा बोलते हैं, मतलब एक डर का माहौल बनाया जाता है कि आप लोग को जेल में डाल देंगे।
जेल में डाल देंगे, ऐसे बोलोगे तो ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे ही नहीं, हजारों स्टूडेंट को डिबार कर दिया गया है, 3 साल के लिए किसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसी को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बताइए, डर का माहौल नहीं है तो और क्या है? यानी अतुल प्रसाद और के पाठक के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जो है बैन कर दिया गया? हाँ, खुद हमें ही दीवार मतलब एक लिस्ट में डाल दिया गया था। अच्छा। लेकिन मैंने अपना पक्ष रखा जो मेरा सही पक्ष था, जिससे हमको बाहर निकाल दिया गया। क्या लग रहा है, के पाठक और अतुल प्रसाद खिलाफ बोलेंगे तो आप लोग को बैन कर दिया जाएगा एग्जाम देने? बैन कर दे उससे क्या, देश संविधान से चलता है या उनके तुगलकी फरमान से चलता है? अच्छा, देश संविधान से चलेगा ना। अब बताइए, आयोग के पास धारा 144 आज्ञा, हम विद्यार्थी की समस्या होगा तो कहाँ जाएगा? सबसे बीपीएससी और शिक्षा विभाग के गलत नीति के कारण आज हम रोड पर, नहीं तो हम भी बोर्ड पर होते। अच्छा, इनकी क्या गलत नीति? गलत नीति ये है कि विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेगा सूची तैयार नहीं की जाती है। वेरिफिकेशन तो हुआ ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये अतुल सर बोले कि जब बड़ा बहाली होता तो मल्टी लेयर फिल्टरिंग होता है। अच्छा। 3 लेयर का फिल्टरिंग हो गया है, अभी थंब इम्प्रेशन बाद में मैच करवा रहे हैं। इधर 2 गो सहरसा से तो मुन्ना भाई धरा है, 1 वैशाली से धरा है, एक को 3 लेयर में आप विद्यार्थी की पहचान नहीं कर पाए। हर जिले से भर भर के आ रहा है कि किसी के पास सीटेट पास नहीं है, कोई पीजी नहीं है कि, और हाथ तो तब है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर से रिजल्ट बताते हैं कि 10+2 में शिक्षक बहाल होने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और एसटीटी एग्जाम हुआ था 2019 में, अब 2002-2001 डेट ऑफ बर्थ वाले का तो नहीं ना पूरा जाएगा 2019 में 21 साल? तो वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट कैसे शिफ्ट फिल्टरेशन में लोग का दे जा रहा है? यानी गलत तरह का फिल्टरेशन हुआ है जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर खाना पूर्ति हुआ है। 3-3 लेयर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। हर जिले से अभी भी सीटेट फेल, डीएलएड फेल, एसटेट फेल, और जिनके